ओम शांति। आज हम सुनेंगे 2 दिसंबर की बाबा की मुरली। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी धारणाएं पक्की कराई है। सारे दिन में हमें कैसे व्यवहार करना है, क्या पुरुषार्थ करना है और किस बात का अटेंशन रखना है। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। इस पढ़ाई से तुम देवता बन रहे हो। दुनिया में देखो, चारों तरफ फिक्राते ही फिक्राते हैं। बच्चा जन्मा, बीमार हुआ, फिक्रात, ऐसी अनेक फिक्राते हैं। लेकिन शिव बाबा तुम्हें सारी फिक्रातों से मुक्ति दिलाते हैं। तो बाबा ने आज कहा, बच्चे, जितना तुम बाप की याद में रहेंगे, तुम फिक्रातों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज सारा दिन पहला अभ्यास, बाबा की याद पर अटेंशन। दूसरा, बाबा ने पाठ पक्का कराया, बच्चे आप आत्मा हो। यहां हमें ये ख्याल रखना है कि बाबा जब हम कहते हैं तो बाबा का अर्थ है पिता। निराकार शिव परमात्मा को हम पिता के रूप में याद करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम भी आत्मा हो, आप सब आपस में ब्रदर्स हो, आत्मा के हिसाब से भाई भाई है। जैसे बाबा प्यार के सागर है, वैसे तुम बच्चों को भी आपस में प्यार से रहना है। तो आज पूरा ये पाठ शिव बाबा ने हमें पक्का कराया है। देखो बच्चे, देवताएं आपस में कितना प्यार से रहते हैं, आपस में बहुत मीठा बनकर रहना है। मीठा अर्थात सुखदाई। हमारे बोल मीठे हो, हमारे कर्म सुखदाई हो, प्यार के सागर बन जाओ। क्या टेंशन रखेंगे? आज शिव बाबा हमें कह रहे हैं, बच्चे तुम प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बन सकते हो। आपस में इतना प्यार हो, प्यार के सिवा कुछ नहीं। अंडरलाइन करेंगे, मैं मास्टर प्यार की सागर। भगवान मुझे कह रहा है, बच्चे प्यार का सागर बन जाओ। कब हम प्यार का सागर बन सकेंगे? जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे। आगे बाबा ने कहा, देह अभिमान को खत्म करना है। अगर देह का भान आया ना, तो चलते चलते हमें फील हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, इसने मेरा क्यों नहीं माना, इसने मेरी क्यों निंदा की। ये बातें तो रोज बरोज के जीवन में आनी ही है ना। अब इन बातों के बीच में रहते हुए मुझे प्यार का सागर बनना है। तो आज सारा दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं प्यार के सागर शिव बाबा की संतान हूं, मुझे सबको प्यार देना है, क्योंकि ये परमात्मा पिता की आज्ञा है, श्रीमत है।
तो आज सारा दिन प्यार का सागर बन करके रहना है। फिर बाबा ने आज हमें ये पाठ पक्का कराया, बच्चे अपने को आत्मा समझकर कार्य करना है। आत्मा कानों से सुन रही है, क्या प्रैक्टिस करनी है? आत्मा कानों से सुन रही है। बेहद का बाबा, शिव बाबा बेहद सारी सृष्टि के पिता है ना, तो बेहद का बाबा आत्माओं को अविनाशी ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान ऐसा है जिसका विनाश कभी भी नहीं होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए बाप की याद में रहना है। ये योग अग्नि है, योग को आज बाबा ने कहा अग्नि। तो आज हम अपनी याद को इतना शक्तिशाली बनाएंगे, जैसे छोटी सी अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो इतना कुछ उसमें नष्ट नहीं होता है, जितनी बड़ी आग होगी उतना उसमें ज्यादा नष्ट हो सकता है। तो शिव बाबा की याद को आज सारा दिन हम धीरे धीरे बढ़ाते जाए, हो सके तो हर ट्रैफिक कंट्रोल पे बाबा को बड़े प्यार से याद करें, उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाए, दो दो मिनट बढ़ाते जाए। हर घंटे भी हम बाबा को याद कर सकते हैं, और जब समय मिले तब थोड़ा लंबा समय लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा, मैं प्यार स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा, आज बाबा ने मुझे कहा बच्चे तुम्हें प्रेम का सागर बनना है। और परम ज्योति शिव बाबा की याद में मगन हो जाए। जितना जितना हम योग का गहराई से अभ्यास करेंगे, प्यार से बाबा को याद करेंगे, तो योग अग्नि का रूप ले लेगा, योग अग्नि बन जाएगा। और इस योग अग्नि में आत्मा के विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो ये आज का अभ्यास हम सारे दिन में चलते फिरते करते रहेंगे, और जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना आत्मा को खुशी मिलती जाएगी। फिर बाबा ने और एक शिक्षा पक्की कराई है, तुम्हें मगन अवस्था में रहना है। बाबा कहते याद में भी तुम्हें मगन अवस्था में रहना है। जब याद में बैठते हो तो प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में लाओ। कैसे मगन हो सकेंगे बाबा की याद में? अच्छी अच्छी ज्ञान की, स्वमान की बातों पर मनन करते रहो। जितना मनन करेंगे उतना मगन अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। माया आ नहीं सकेगी, तुम माया जीत बन जाएंगे। तो आज माया जीत बनने का ये विशेष पुरुषार्थ करेंगे, मगन स्थिति में रहने का। मन हमारा मगन तभी होगा जब ज्ञान की बातों के चिंतन में हम मगन हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कौन सी युक्ति बताई? प्राप्तियों की लिस्ट। तो आज हम सब ये लिस्ट बनाएंगे। जब से हम शिव बाबा के बने हैं, जब से हमने ईश्वरीय ज्ञान का अभ्यास शुरू किया है, जीवन में क्या क्या प्राप्तियां हुई है, हुई है ना? हर एक के जीवन में अनेक प्राप्तियां है, तो उन सारी प्राप्तियों को हमें याद करना है।
आज हम उनका लिस्ट बनाएंगे, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, कई भाई बहनों के जीवन में कितना सुख और शांति आ गए, कितनी बुरी आदतों से मुक्त हो गए। सबसे बड़ी प्राप्ति तो हमें ये हुई है कि स्वयं भगवान हमारे पिता बन गए, स्वयं शिव बाबा की हमें रोज रोज ये ईश्वरीय शिक्षाएं मिलती हैं, रोज शिव बाबा हमारी पालना करते हैं, हम उनको याद करके कर्म करते हैं, तो हर कर्म में हमें बाबा के साथ का अनुभव होता है। ये सारी प्राप्तियां हो गई तो हम स्वयं से चिंतन करेंगे, हे आत्मा तुम कितनी भाग्यशाली हो। एकांत में बैठ जाए और ये मनन करे तुम्हें कितनी प्राप्तियां हुई है। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं, स्वयं ईश्वर पिता बनकर तुम्हारी पालना कर रहे हैं, हर कर्म में तुम्हारा साथ निभा रहे हैं। हे आत्मा तो से मुक्त हो गई हो, माया जीत बन गई हो, ज्ञान का अखूट खजाना तुम्हें मिल गया, ईश्वरीय परिवार मिल गया, ईश्वरीय ज्ञान ईश्वरीय शक्तियां मिल गई। तुम कितनी भाग्यशाली आत्मा हो। तो ये हो गया चिंतन। तो आज बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया, तो आप सभी भी इस पर आज मनन चिंतन करेंगे कि कौन कौन सी ईश्वरीय प्राप्तियां मुझे हुई है, और उन प्राप्तियों को बार बार याद करेंगे। जब भी योग में बैठे प्राप्तियों को याद करें, धीरे धीरे याद करते करते वो स्वरूप में आ जाएगी, छप जाएगी बुद्धि में, और वो स्मृति इमर्ज रहेगी, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तुरंत हम अपनी प्राप्तियों को याद करेंगे तो नशा चढ़ जाएगा। तो एक तो प्राप्तियां याद करेंगे, दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट, जो हम रोज मुरली सुनते हैं ना, उनमें से जो पॉइंट बाबा की बहुत हमें शक्तिशाली लगती है उसको हम याद करेंगे तो उससे भी बल मिल जाएगा। जैसे आज की बाबा की मुरली की मुख्य बातें हमने सुनी, जो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें प्यार का सागर बनना है, सबको प्यार देना है, तुम्हें ये पढ़ाई पढ़नी है औरों को पढ़ानी है, तुम्हें इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर औरों को भी दान देना है, स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये बातें नोट भी करनी है और साथ साथ मनन चिंतन करते हुए मगन अवस्था का अनुभव करना है। आज बाबा ने मुख्य याद को योग अग्नि कहा है, तो हम याद का अभ्यास आज बढ़ाते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम अभी इतने ऊंच बनते हो, देवता बन रहे हो, तो तुम्हारे कर्म कितने श्रेष्ठ होने चाहिए। यह स्कूल है, यहां हम कहां बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं। तो बाबा कहते यह स्कूल है, इसे विश्वविद्यालय और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें मिलता है।
जो भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। तो बार बार हम अपने एम ऑब्जेक्ट को याद करेंगे। जैसे और कोई स्कूल कॉलेज में हम पढ़ने जाते हैं तो लक्ष्य पक्का रहता है ना। कोई को मेडिकल में जाना होता है, कोई को बड़ा बिजनेसमैन बनना होता है, कोई को वकील बनना होता है, तो अपने एम को सामने रखते हैं। बाबा हमें रोज अपना एम पक्का कराते हैं, रोज, बच्चे तुम्हारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। तो सारे दिन में हम कर्म करते हुए आज ये स्मृति में रखेंगे कि हम कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जहां स्वयं बाबा टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं, और हमारा एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, ऐसा देवता बनना है। तो अगर देवता बनने का लक्ष्य होगा तो धीरे धीरे हमारे व्यवहार पर अटेंशन रहेगा। देवता तो देने वाले होते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे देवता माना जो 16 कला संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इसे देवता कहा जाता है। तो अगर मुझे देवता बनना है तो इन गुणों को मुझे अपने सामने रखना है। फिर थोड़ी भी कोई गलती हो जाएगी, तुरंत मेरा मन कहेगा, हे आत्मा, तुम्हें तो ऐसा देवता बनना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है, तो जैसा मेरा लक्ष्य वैसे ही मेरे कर्म होने चाहिए। तो आज क्या याद रखेंगे, हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। इसलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे देवता तो आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, तो देवता लक्ष्य की स्मृति भी हमें प्यार की स्मृति दिलाएगी। क्योंकि आज का होमवर्क है, बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम्हें बहुत मीठा बनना है, तुम्हें आपस में प्यार से रहना है, एक दूसरे को प्यार ही देना है। फिर आगे बाबा ने कहा, बच्चे बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश रह जाएगा। क्रोध को निकालना है ना, क्रोध को निकालने के लिए ये सरल युक्ति आज बाबा बता रहे हैं, ये याद करो, मैं हूं ही प्यार का सागर। तो ये स्मृति हमें समर्थ बना देगी। जितना हम सोचेंगे मैं प्यार का सागर हूं, प्यार के सागर की संतान हूं, तो प्यार इमर्ज होता जाएगा। तो ये सारे दिन का होमवर्क हम फिर से एक बार अपने मन में पक्का कर लें। स्वयं को देखें, मैं आत्मा चमकता सितारा, देह भान से परे आज बाबा ने कहा, तुम्हें प्यार ही प्यार देना है। याद रहे, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी भी है, सबको पढ़ानी भी है। जितना बाबा की याद रहेगी, योग अग्नि से आत्मा में ताकत आएगी। आज मुझे क्रोध को जीतना है, अपने एम ऑब्जेक्ट को याद करना है,
माया जीत बनने के लिए ज्ञान के मनन चिंतन से मगन स्थिति का अनुभव करना है। प्राप्तियों को याद रखना है, सारा दिन बाबा की याद में आत्मा समझकर कर्म करने हैं। ओम शांति।